भी देश का पूर्ण विकास तभी हो सकता है जब उस देश के युवा वर्ग खास तौर से सबल हों, शिक्षित हों। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के द्वारा लगता है भारत में पूर्ण विकास की ओर हमारा एक कदम और आगे बढ़ चुका है। नेशनल हायर एजुकेशन बिल 2020। सबसे पहले भारत ने नेशनल एजुकेशन बिल या फिर पॉलिसी 1986 में फॉर्मुलेट की गई थी, जिसके बाद उसे दोबारा 1992 में मॉडिफाई किया गया था। आज 28 साल के बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को दोबारा से रिवाइज किया जा रहा है। तो 30 में से एक दो बच्चा तो पहुंच जाएगा IIT, बाकी बेचारों का क्या होगा? वापस वही गोबर, कीचड़ और गटर।
अरे आज राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा।